नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ टू व्हीलर वेल्डिंग पार्ट्स। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ रहती हैं, ऐसे चेसिस रहती हैं, उनके पार्ट्स रहते हैं, वो टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं या गल जाते हैं। यदि वो सड़ गए गल गए तो आपको फिर जुगाड़ लगाना पड़ती है। लेकिन आजकल नई नई कंपनियाँ खुल गई है जो टू व्हीलर वेल्डिंग पार्ट्स रेडीमेड बनाकर तैयार करती हैं। तो ये आपको ये दिख रहा है टू व्हीलर वेल्डिंग पार्ट्स पूरे रेडीमेड हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ये कृष्णा इंटरप्राइजेस है, गुजरात की कंपनी है। ये सारे टू व्हीलर के वेल्डिंग पार्ट्स बनाती है। दो टाइप के वेल्डिंग पार्ट्स बनाती है, एक तो वेल्डिंग पार्ट्स रहते हैं, दूसरे रहते हैं प्लास्टिक पाइप। तो मैं आज आपको दोनों के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो जो वेल्डिंग पार्ट्स रहते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं और इनका इम्पोर्टेंट क्या रहता है, तो आपको ये दिख रहा होगा। ये रहता है जम्पर फिटिंग, चेचिस बॉक्स विदाउट बोल्ट फॉर और हीरो बाइक्स। जो जितनी सारी हीरो की जो बाइक हैं उसके अंदर ये जंपर बॉक्स लगाते हैं, ये सड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, तो आप इसको वेल्ड करके आसानी से इनका यूज कर सकते हो। वो किस तरीके से लगाते हैं तो मैं इसको वीडियो आपको बताता हूँ। यहाँ पर लगते हैं, आप वीडियो पार्ट्स आपको ये क्या है, चेसिस बेंड पाइप। ये वाला पार्ट्स है, ये चेसिस बेंड पाइप है। जो चेसिस रहती है वहाँ पर जो बेंड होता है वहाँ पर आप इसको लगाकर साइड स्टैंड को लगा सकते हो, फुटरेस्ट को लगा सकते हो। ये सब इसी में क्लैंप रहते हैं, इसी में बेल्ड करके लगाए जाते हैं। यदि ये भी ख़राब हो जाता है तो आप इसको भी पूरा रेडीमेड बदल सकते हो। ये है आपके साइड स्टैंड चेसिस बेस पाइप। ये आपका है डिस्कवर जंपर बॉक्स। ये आपको डिस्कवर जंपर बॉक्स दिख रहा है, ये डिस्कवर बाइक का जंपर बॉक्स रहता है। ये भी धीरे धीरे सड़ जाता है, पानी की वजह से गल जाता है, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो इसको पूरा काट को बेल्ड करके वेल्डिंग करना पड़ता है। तो ये भी पूरा रेडीमेड मिलता है, तो आप इसको फिट करके आसानी से यूज कर सकते हो। ये जंपर बॉक्स है, ये आपको दिख रहा है यूनिकॉर्न क्लैंप। ये यूनिकॉर्न बाइक रहती है, उसका क्लैंप है। ये यूनिकॉर्न बाइक में लगता है, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं। ये यूनिकॉर्न जंपर क्लैंप है, इसका भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रहते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये बेस प्लेट, जो इंजन रहता है उसके अंदर की जो बेस प्लेट रहती है वो नीचे लगती है। यहाँ पर इसका इस प्लेट का यूज करते हैं, बेस प्लेट रहती है, इसको वेल्डिंग करके आसानी से लगा सकते हो। ये भी एक समय के बाद सड़ जाती गल जाती है, तो इसको भी आप बदल कर लगा सकते हैं। ये आपकी टंकी के पास में ये पत्ती रहती है, वहाँ पर इसको लगा सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो, जिससे वो टंकी के पास में जो पत्तियाँ रहती है क्लैंप रहता है वो ख़राब हो जाती है धीरे 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 धीरे, रगड़ते रगड़ते भी ख़राब हो जाती है, जंग पानी की वजह से, धूल की वजह से भी ख़राब हो जाती है, तो उसको आप बदल सकते हो। ये इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला रहता है वो एक्टिवा मडगार्ड क्लैंप रहता है। ये एक्टिवा के जो मडगार्ड रहते हैं उसके क्लैंप रहते हैं, यदि वो कभी टूट जाते हैं, उसके पेंच टूट जाते हैं, तो आप इसकी सहायता से बदल सकते हो और आसानी से उसको मजबूत बना सकते हो। तो ये सारे बेसिक पार्ट्स रहते हैं टू व्हीलर वेल्डिंग के पार्ट, जो कृष्णा इंटरप्राइजेस बनाती है। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। यदि आपको ये सामान चाहिए तो उस कंपनी से आप आसानी से मंगा सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।